कम उम्र में माँ बाप अक्सर अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं और जिसके बाद अक्सर उनकी पढ़ाई छूट जाती है। लेकिन यह सच है कि अगर पढ़ने और कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो कोई भी राह में रोड़ा नहीं बन सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है कोडरमा जिला के डोमचांच प्रखंड के मधुबन पंचायत की रहने वाली राधा कुमारी ने। वह 17 वर्षीय है और उसकी शादी माता पिता ने तय कर दी थी और 23 जून को शादी भी होने वाली थी, लेकिन राधा कुमारी को शादी करना मंजूर नहीं था। कारण था कि राधा कुमारी पढ़ लिख कर शिक्षिका बनना चाहती थी, इसलिए वो शादी के खिलाफ थी। परिवार वालों ने राधा की शादी बिना उससे बताए तय कर दी, जिस पर राधा ने अपने परिवार वालों को कम उम्र में शादी नहीं करने को लेकर काफी समझाया, मगर उसके परिवार वालों ने उसकी एक ना सुनी और रिश्ता आगे बढ़ा दिया। जिसके बाद राधा ने लड़के पक्ष वालों को खुद फोन कर कहा कि अभी उम्र नहीं हुआ है, अभी मैं बाल विवाह नहीं कर सकती हूं, और उसने शादी का विरोध किया। दरअसल राधा मधुबन पंचायत की रहने वाली है और राधा के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। राधा 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं। जब इसकी जानकारी कोडरमा उपायुक्त रमेश घोलप को मिली तो वह उस लड़की के घर मधुबन पहुंचकर उसके कार्य की सराहना किए, साथ ही प्रशस्ति पत्र, शॉल और किताब भेंट कर लड़की को सम्मान दिए। इसके अलावा लड़की को सुकन्या योजना में भी उसको जोड़ दिया, जिससे लड़की को पढ़ने लिखने में मदद मिलेगी। हमको लगा कि हम अभी बाल पंचायत के मुखिया अवर चुनाव में ये हुए हैं, तो इसमें तो बाल मजदूरी बाल विवाह रुकना है, और अगर हम खुद ही बाल विवाह कर लेंगे तो फिर और भी सारे बच्चे का क्या होगा। हमको तो खुद रोकना है, फिर हम ही कर लेंगे तो फिर वो सब बोलेंगे कि जो जिसको नहीं करना था, जिनको ये मतलब बचवाना था वो खुद कर ली है। उसके बाद फिर मतलब हर तरह से बातें होती, हर तरह से दबाव मिलता। तुम्हारी शादी होनी थी, कितने उम्र थी, कौन सा वो तारीख था और क्या था उस समय घर का माहौल, क्या था ये बताओ। घर का माहौल, हाँ, तुम्हारी शादी को लेकर तैयारी चल रही थी क्या कुछ? हाँ, तैयारी चल रही थी। जिला प्रशासन देख रही है, लेकिन निश्चित तौर पे ये जो राधा कुमारी है, पिता सुरेंद्र पांडे, ये डोमचांच के मधुबन पंचायत की एक लड़की है, जो जिसने ये जो राधा कुमारी है, ये डोमचांच प्रखंड के मधुबन पंचायत की एक लड़की है, जिसने एक मिसाल पेश की है समाज के उन सभी माता पिताओं के लिए। इस लड़की ने अपनी खुद की जो शादी उसकी तय हुई थी 18 साल से पहले, चाइल्ड मैरिज जो इसका होने वाला था, इसने खुद इसका विरोध करके अपने माता पिता को भी इसका विरोध दर्ज कराते हुए, और जिसके साथ शादी होने वाली थी उस परिवार से भी अपना विरोध दर्ज करा के अपनी शादी रोकी है। और ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी पहल है, एक मिसाल है। नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी जी से जब बात हो रही थी तो उन्होंने इस बच्चे का जिक्र किया था, उन्होंने कहा था कि हम खुद उसके घर में जाकर उस बच्चे को सम्मानित करेंगे, क्योंकि ऐसी बच्चियाँ जब इस तरह के कदम उठाती है तो वो सिर्फ उस तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि वो समाज के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए एक मिसाल बन जाती है। तो हम तो फख्र है, हम तो प्रार्थना करते हैं कि भगवान हर माँ बाप को ऐसी बेटी दे। आज हम लोगों ने इसको स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत मंथली 2000 रुपये का स्कीम है उसको स्वीकृत किया है, उनके पिताजी को हम लोगों ने पेंशन स्वीकृत किया है। ये बच्ची भी आगे जाके पढ़ना चाहती है, टीचर बनना चाहती है, तो मैंने उनको कहा है कि आगे पढ़ाई में भी उसको किसी तरह की दिक्कत आएगी तो मैंने अपना व्यक्तिगत नंबर दिया है, और हम प्रयास करेंगे कि इसके जो सपने हैं वो सपने पूरे हों, और इसको हम लोग सुकन्या योजना के तहत भी इस बच्चे को हम लाभ दे रहे हैं, और जो परिवार के कि माँ का राशन कार्ड में नाम नहीं है तो उस पर हम लोग ऐसी घटनाओं में हम लोग रोक लगा सकते हैं, या जो स्थितियां हैं उसको सुधारने में हम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो चाहे वो आदमी कोई भी हो, चाहे वो ऑफिसर हो या आम जन भी हो, उसको मुझे लगता है उसका ये नैतिक दायित्व है इस तरह की घटनाओं में प्रोएक्टिवली आगे बढ़ के काम करना। तो हम लोग बिफोर सिलेक्शन भी जब हम लोग हमारे यूथ कॉलेज के टाइम पे भी इस तरह के सामाजिक संगठनों में काम करते थे, और अभी भी अब तो हम लोगों को अधिकार मिला है कि हम ऐसे बच्चों के लिए आधिकारिक तौर पे सरकार के जो स्कीम्स है उसके माध्यम से कुछ कर सकते हैं। तो हमारा ये हर समय प्रयास रहता है कि उस तरह की जो स्थितियां हैं, उस तरह के जो हालात हैं जिससे ये लोग बच्चे गुजर रहे हैं, या अन्य आम जन, तो सबको
जो सरकार की स्कीम है और मुझे लगता है जिस काम के लिए हम लोगों को बेसिकली पदस्थापित किया जाता है, तो उस अपने पद अपने जो चेयर है उसके साथ ऑनेस्ट रहने का प्रयास करते हैं। कोडरमा से मिथिलेश मेहता की रिपोर्ट। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।